स्कूल को हरा भरा रखने व पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से नौणी के सेंट एम्ब्रोस पब्लिक हाई स्कूल नौणी में मुख्यमंत्री हरित क्रांति विद्यालय अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। स्कूल व आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण करने से पहले स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा विभिन्न तरह के पौधों और उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। स्कूल को हरा भरा रखने व पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से नौणी के सेंट एम्ब्रोस पब्लिक हाई स्कूल नौणी में मुख्यमंत्री हरित क्रांति विद्यालय अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। स्कूल के आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करने से पहले स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा विभिन्न तरह के पौधे व उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रांगण व आसपास कनेर, प्राइड ऑफ इंडिया, केनिया आदि प्रजाति के पौधे रोपे गए। वहीं पौधारोपण के बाद स्कूली छात्रों को इन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी सौंपा गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल मीरा शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री हरित क्रांति विद्यालय अभियान के तहत स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। स्कूल व आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण करने से पहले स्कूली बच्चों को अध्यापकों द्वारा विभिन्न तरह के पौधे व उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रांगण व आसपास कनेर, प्राइड ऑफ इंडिया, केनिया आदि प्रजाति के पौधे रोपे गए। आज सेंट एम्ब्रोस पब्लिक स्कूल हाई स्कूल नौणी में मुख्यमंत्री हरित विद्यालय क्रांति अभियान के तहत स्कूल में पौधारोपण किया गया, जिसमें कनेर, प्राइड ऑफ इंडिया, केनिया आदि के वृक्षों का पौधारोपण किया गया। इसमें पहले बच्चों को इन जो प्लांट्स लगाए गए इनकी महत्वता के बारे में बताया गया और बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ इसकर इसमें भाग लिया। आगे के लिए इन बच्चों को जो ये पौधे इन बच्चों ने लगाए, सभी की सहायता से सभी अध्यापकों ने भी इसमें भाग लिया और इस इन पौधों की देखरेख करने का जिम्मा भी इन बच्चों को दिया गया कि आगे भविष्य में इन बच्चों, जब तक ये बच्चे इस स्कूल में है, इस इन पौधों की देखरेख करें। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।